कैसे आप सारे, आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैं जो है 10 आवर्स की वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें आपको जो है पूरा बिजनेस स्टडी जो है 12th से रिलेटेड वो सारा जो है मैं आपको कवर कराऊँगा, ठीक है। तो उसी दौर में जो है आज का जो चैप्टर हम कवर अप करेंगे वो है कंट्रोलिंग। और जैसा कि हम जानते हैं कि कंट्रोलिंग जो है एज अ मैनेजमेंट का जो है लास्ट फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या हमें पढ़ना है, जो ओबियसली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं मीनिंग, कि मीनिंग क्या, मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है, मैं एक एक पॉइंट्स को आपको पढ़ के आपको समझाता हूँ इसका मतलब एक्चुअली क्या है। कंट्रोलिंग फंक्शन एज बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। क्या होता है कंट्रोलिंग का मतलब, अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट का सबसे लास्ट फंक्शन होता है, इसका मतलब हमने सारा काम वगैरह सब दे दिया, डायरेक्शन भी दे दिया। अब हमारा काम होगा ये चेक करना कि जो हमारा गोल था और एक्चुअली में हमने क्या परफॉर्मेंस किया, उससे उसको कंपेयर करना। मतलब है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज करिए 1000 यूनिट्स हैं, यानी 1000 यूनिट्स आपको जो है बनाने थे। आपने इसके रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट किया, और मैनेजमेंट करने के बाद एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस निकल के आया वो 990 निकल के आया, ठीक है। इसका मतलब है 10 यूनिट जो है कम बने, जबकि बनाने थे हमें 1000 यूनिट। ऑब्वियसली 1000 बनाने थे, टारगेट हमारा 1000 का था, लेकिन बना ओनली 990, यानी 990 ही बन पाया, यानी 10 यूनिट नहीं बन पाया। तो उसमें क्या है, हमारा एक्चुअली में जो हमारा 990 निकल कर आया, और जो हमारा हमने जिसके रिगार्डिंग हमारा गोल था 1000, उसको हम कंपेयर करके पता चला ना कि हमने जो है 10 यूनिट जो है कम बनाया। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, उस जो अभी उससे हमने जो कंपेयर किया है एक्चुअली को और प्लान परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर मतलब यही होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम जो है कंपेयर करते हैं विद प्लान परफॉर्मेंस। प्लान परफॉर्मेंस का एक दूसरा नाम भी होता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर आपकी बुक में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दिया हो तो समझ लेना इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि हमने डिसाइड किया था कि इतना तैयार करेंगे और एक्चुअली में बन के कितना आया, वही एक सिंपल सा हम एक डाटा लेके चलते हैं, ठीक है ना, कि 100 बनाने थे, 90 बने, 10 नहीं बन पाया। तो कंट्रोलिंग में हम यही चेक करते हैं कि जो 10 नहीं बन पाया तो उसकी वजह क्या थी। तो वही कह रहा है, इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन डेविएशन दैट द फाइंडिंग द रीजन फॉर डिफरेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजरमेंट ऑन एक्शन टू स्टॉप दोज रीजन्स, यानी फिर हम क्या करेंगे, अगर जितना डिफरेंस आया तो हम ये पता करेंगे कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों, क्या वजह रही इसके वजह से जो है आपका जो है जो डिफरेंस आया, ठीक है ना। और देन फ्यूचर में ऐसा ना हो, ठीक है ना, उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेक्टिव अगर हो सकता है तो ठीक है, करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कहाँ गलती आई है, ठीक है ना। तो यही कंट्रोलिंग का जो लास्ट जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि हम अब कंपेयर कर रहे हैं कि हमने जो सामान बना के रेडी किया और हमने क्या डिसाइड किया था उससे अब हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पर समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन हर एक की आपकी दी हुई है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें से कोई सा भी एक अपने माइंड में रख सकते हो यार, ठीक है ना। कंट्रोलिंग फंक्शन ली, मैं लास्ट वाला पढ़ रहा हूँ, देखो इसमें ये लास्ट वाला है कि कंट्रोलिंग फंक्शन लीड टू गोल अचीवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल नॉट लाइकली टू द रीच इट्स गोल,
ठीक है ना, यानी कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो लीड करता है गोल अचीवमेंट पे। ओब्वियसली हमारा काम यही था कि हमारा क्या गोल है उसके रिगार्डिंग काम करना, ठीक है ना। एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल एंड नॉट लाइकली टू रीच इट्स गोल। और फिर ये देखना कि अभी क्या नाम है, क्या क्या इफेक्टिव पड़ा जिसकी वजह से हमने जो है हम उस गोल पर नहीं पहुंच पाए, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं, मैंने ओब्वियसली अगर आपने ये मीनिंग समझ लिया तो ओब्वियसली हर एक जो डेफिनेशन है वो यही कह रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इतना कुछ खास आपको इसमें ज़्यादा आपके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कीवर्ड है, छोड़ो कीवर्ड को, आपने कुछ नहीं है, आपने पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, तो देखो यहाँ पर है देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ कि कंट्रोलिंग जो है आपके दो तरीके से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, पहला है स्ट्रेटजिक कंट्रोलिंग और दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोलिंग। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करूँ तो आपको प्रॉपरली दिख जाएगा कि देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, फर्स्ट इज अ स्ट्रेटजिक कंट्रोल एंड सेकेंड इज ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटजिक कंट्रोल रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटजी एंड द प्लान आर बिकॉज ऑफ सम टाइम देयर कैन बी डेविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान ड्यू टू प्लान एंड स्ट्रेटजी। जैसे सपोज करो, यहाँ लेट एग्जाम्पल दिया, आपको साफ एग्जाम्पल में समझ में आएगा। जैसे सपोज करो लेट अ प्लान आउटपुट 100 यूनिट्स, ठीक है, यानी हमने जो हमारा जो प्लान था वो 100 यूनिट्स बनाने का था, बट एक्चुअली में आउटपुट कितना हो गया 120। तो इन दिस केस मिसमैच इज ड्यू टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्लान, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रेटजिक कंट्रोल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या सिंपल सा निकल के आया, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब ये है कि हमने बनाने थे 100 यूनिट्स कि हमने जो प्लान किया था आउटपुट का वो 100 का था, बट एक्चुअली में आउटपुट 120 निकल गया। तो इसका मतलब है मिसमैच जो यू यहाँ हुआ है, तो इस चीज़ को ड्यू टू अंडरस्टिमेशन ही तो हुआ है ऑफ प्लान, कि आपने जो प्लान को सही से नहीं किया, सही से समझा नहीं, इसीलिए आपका जो है ये आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है। वरना बराबर आना चाहिए था कि भाई प्लान अगर मैंने 100 किया तो ओबियसली 100 आना चाहिए था, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। सो इट इज कॉल्ड स्ट्रेटजिक कंट्रोल। तो इस तरीके की जो हम कंट्रोल है उसको हम कहेंगे स्ट्रेटजिक कंट्रोल। तो ऑपरेशनल कंट्रोल क्या है भाई, ऑपरेशनल कंट्रोल एस्पेक्ट रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरल एंड अदर एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सीधी सी बात है, नाम से पता चला ऑपरेशनल, तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको मैनेज करना, ठीक है ना, उसको एक तरीके से मैनेज करना। एंड देयर इज टू फाइंड आउट दी मिसमैच इज ड्यू टू फॉल्ट इन द एक्शन ऑफ एक्टिविटी, यानी एक्शन और एक्टिविटी इन बोथ द एस्पेक्ट द मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर मिसमैच एंड टेक अ करेक्टिव मेजर। तो यहाँ पे ऑपरेशनल की बात हो रही है, यहाँ पर हम स्ट्रैटेजिक की बात नहीं हो रही है, जो हमारा तो स्ट्रैटेजी ऊपर तो हो चुका है, यहाँ पे ऑपरेशनल ही है, ठीक है ना। कि एस्पेक्ट रेफर टू फोकस ऑन मैनेजरल एंड अदर एक्टिविटीज, यहाँ पर हम ये फोकस करते हैं, इसमें ये देखा जाता है कि जो मैनेजरल जिस तरीके से मैनेज किया गया है मैनेजर के द्वारा, एंड अदर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट टू फाइंड आउट द मिसमैच, जो उसने जो एक मैनेजर के थ्रू जो एक जो प्लानिंग की गई है या कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें हमें ये पता करना कि उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है, यानी मैंने जो काम दिया है क्या सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके रिगार्डिंग मिसमैच अगर होता है तो हम इसमें ये फाइंड करेंगे कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि इसमें जो है हमारा जो है डिफरेंस आ रहा है मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर मिसमैच एंड टेक अ करेक्टिव मेजरमेंट, यहाँ पर वो जो है करेक्टिव मेजर्स कर सकता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से जैसा उसे लगेगा। नेचर, अगर मैं नेचर की बात करूँ तो वैसे तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ नेचर, अगर आपसे ये पूछ रहा है तो। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, यानी हमारा जो होता है ये बात करते हैं, हमें हमें ऊपर बोला ना कि हम जो है कि कंट्रोलिंग जो होता है
हम अपने गोल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है ना। कंट्रोलिंग यही कहता है कि आपका जो गोल आपने जो डिसाइड किया है और एक्चुअली में आपने क्या किया है उसको कंपेयर करता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कंट्रोलिंग फंक्शन मेक अ श्योर एवरीवन फॉलो द प्लान और वर्क एंड अकम्प्लिश एज पर द प्लान एंड ऑलवेज अचीव द, ऑब्वियसली जो गोल डिसाइड किया गया था उस गोल में किस तरीके से काम करना था, क्या प्लान था, उसके हिसाब से ही जो काम है होना चाहिए ताकि हम उस अचीव को पूरा कर सके, यानी उस गोल को हम पूरा कर सके। और ऐसा अगर नहीं हो पाता है तब जाके ये चेक किया जाता है कि क्या कमी आ गई, मिसमैच क्या आ गया, कि हमने जो किसी को प्लान दिया था, जो वर्क दिया था, वो डिफरेंस कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दूसरा, कंट्रोलिंग इज एन परवेसिव फंक्शन, यानी कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली, बट मैनेजर वर्किंग एट ऑल द लेवल, ठीक है ना। यानी कंट्रोलिंग सिर्फ जो है टॉप लेवल के मैनेजमेंट ही नहीं करते, बल्कि जितने भी आपके मिडल लेवल है, ठीक है ना, लोअर लेवल है, उसमें जितने भी मैनेजर्स वगैरह हैं, ठीक है ना, वो सबका काम यहाँ पर जो है बराबर है, ठीक है ना। वो सारे अपने अपने अकॉर्डिंग जो है कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं है, प्लानिंग जो होती है वो होती है टॉप लेवल पे, प्लानिंग करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों का होता है, ठीक है ना। लेकिन कंट्रोलिंग जो होता है वो सारे करते हैं, टॉप मिडल एंड लोअर लेवल, ठीक है, जिसे हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ओके, आगे कहता है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। यानी कंट्रोलिंग जो होता है वो बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ देखना, ठीक है ना, एज अ मैनेजर्स कंपेयर टू प्लान परफॉर्म विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस दे हैव लुक टू बैक द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन। यानी एक सिंपल सी बात बोलूँ, ये सारी लाइन का मतलब यहाँ पर ये यही कह रहा है कि अब जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो कंट्रोलिंग किया है, ओब्वियसली मैंने पास्ट की चीज़ों को देख के ही तो किया है, पास्ट में जो चीज़ हुआ है वो चीज़ दोबारा ना हो, इसीलिए तो मैं इस चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी पिछले साल जैसे सपोज करो मुझे जो है 1,000 यूनिट का नुकसान हुआ, तो इस साल भी तो मैं ये चाहता हूँ कि वो 1,000 यूनिट ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड एंड लुकिंग फंक्शन। यानी हम पीछे की तरह देखने का मतलब यहाँ पर यही है कि पीछे जो गलती हुई है, पिछले साल जो गलती हुई है, वो आगे की साल में ना हो के इसके रिगार्डिंग हम स्ट्रैटेजी जो है तैयार करते हैं, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल फॉरवर्ड इन लुकिंग फंक्शन। ओके, तो कंट्रोलिंग, यहाँ से मैं एक लाइन लास्ट पढ़ देता हूँ कि कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग ऑल्सो बिकॉज इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपैरिजिंग पास्ट परफॉर्मेंस विद द फ्यूचर, बट ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू रिमूव दी रिसोर्सेज फॉर फेलियर ऑफ प्लान। यानी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंट्रोलिंग जो है बस ये देख लिया कि कंपेयर कर लिया हमने कि पास्ट में क्या हुआ है और फ्यूचर में क्या हुआ, लेकिन साथ साथ हमें ये सजेस्ट भी करता है कि हमें वो क्या मेजर है, यानी मेजर टू रिमूव दी, यानी वो सारी चीज़ों को जो है पता लगाना कि एक प्लान के फेलियर होने में क्या क्या रीजन था एंड दिस फंक्शन मेक श्योर द प्लान एंड परफॉर्मेंस मैच इन फ्यूचर, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में जो है ऑब्वियसली इनका जो प्लान है परफॉर्मेंस है वो मैच हो सके, ठीक है ना। ओके, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ऑब्वियसली मैनेजमेंट के सारे फंक्शन जो है कंटिन्यूस नेचर के हैं, तो ऑब्वियसली ये कहाँ से रुकने वाला था, तो ये भी एक तरह से कह सकते हो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसे बार बार हमें जो है करना पड़ता है, एक बार करके छोड़ नहीं सकते। तो यही कह रहा है कंट्रोलिंग इज नॉट द वन टाइम जॉब बट इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इट इज कैरिड ऑन स्टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग। तो ये कुछ चार पॉइंट्स जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, इसका एक ट्री प्लान बना रखा है, मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में शॉर्ट में याद रखने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है।
तो याद रखने की क्या है, केस स्टडीज में आपसे अगर पूछता है कैसे पहचानोगे कि एक कंट्रोलिंग है, तो जब आप देख लेना कि वो परफॉर्मेंस में एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है कंपेयर कर रहा है आपके स्टैंडर्ड से, ठीक है ना, जो उसने प्लान किया था उसी को स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा टॉपिक, इसमें जो है मेरे ख्याल से और इसमें कुछ है नहीं की वर्ड MCQs वगैरह, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं उसके बाद आपको बताऊँ। हाँ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस हम आज एक इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं ताकि आपको जो है पल्ले पड़ जाए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के क्या महत्व हैं, ठीक है, अब हम जो है इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को भी देख लेते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैं सारी बातें उस गोल पे ही कर रहा हूँ, कंट्रोलिंग बात ही करता है गोल पे कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या था, ठीक है ना। तो व्हेन द प्लान आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जब भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लान बनाया जाता है, दीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, वो सारे के सारे प्लान जो है एक ही तरफ इशारा करते हैं, उन सबका एक ही मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, ठीक है ना। एंड कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर दैट द ऑल एक्टिविटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन टेक अ प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान, एंड इफ देयर इज अ एनी डेविएशन टाइमली एक्शन टू टेक अ ब्रेक ब्रिंग बैक टू एक्टिविटी ऑन पाथ ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना। एंड वेन ऑल एक्टिविटी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान द ऑटोमेटिकली दिस कैन विल बी डायरेक्ट टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द गोल। इसका मतलब सिंपल सा कह रहा है कि जो प्लान हमारा जो गोल के अकॉर्डिंग बनाया है कि वो ठीक है कि नहीं, ये भी इंश्योर करना होता है, ठीक है ना। और अगर टाइमली टू टाइमली अगर उसमें कोई भी डेविएशन होती है, उसमें कोई भी फर्क पता चल रहा हो, आपका डिफरेंस दिख रहा हो, तो वो टाइम टू टाइम हमें उसमें एक्शन लेना पड़ेगा और उस चीज़ को हमें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके सेकेंड पॉइंट आता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। वही चीज़ हमें, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करूँगा जो हमने प्लान किया है और जो हमारा जो एक्चुअली में है उसको कंपेयर करना, ठीक है ना। तो थ्रू द स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग वी कैन ईजली जज वेदर दी स्टैंडर्ड और टारगेट सेट आर एक्यूरेट और नॉट, यानी ये चेक करना कि हमारा जो टारगेट है वो एक्यूरेट है या नहीं है। एन एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम राइव द स्टैंडर्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम मैच एंड देम इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी जैसे आपको पता है कि इन्वायरमेंटली जो है चेंजेस होते रहते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंटल के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा हो तो ऑब्वियसली वीडियो मैं इस पे बना दूंगा ताकि आप उस चीज़ को ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंटल जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो हमारा भी जो है, हमारा जो भी प्लान है, हमारा जो हमने टारगेट सेट किया, वो भी बार बार हमें उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने स्टैंडर्ड जो हमारा जो है, जो हमने डिसाइड किया है टारगेट, उसको अचीव कर सके, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जजिंग एक्यूरेसी, ठीक है ना। ओके मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है ना, ये सारी बातें कंट्रोलिंग में आती है। क्योंकि आपको प्लान दे दिया गया ना कि आपको कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, तो जब आपको प्लान दे दिया गया है तो आप उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर आप अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे और एंड में जब आपका रिजल्ट बेकार निकलेगा और फिर पता चलेगा मैनेजर के थ्रू, मैनेजर जब इस चीज़ को चेक करेगा और पता चलेगा ये बंदा अपने तरफ से काम कर रहा था, जो मैंने इसको प्लान या स्ट्रेटेजी दिया उस हिसाब से इसने काम नहीं किया, इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पर फिर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स, यानी जो आपको प्लान या स्ट्रेटेजी दिया गया है वो इसीलिए तो दिया है कि ताकि आप जो है रिसोर्सेज का जो है अच्छे से इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। तो इस चीज़ को इसमें इस तरीके से मेंशन किया गया है कि लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड दी ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक एंड एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रेडिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड रिजल्ट देयर मोस्ट एक्सेसिव। ओके चौथा है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, यानी
एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट द गोल एंड स्टैंडर्ड टू एप्रेसल या एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट विल इन एडवांस, यानी इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन के जो है कंट्रोलिंग जो है एम्प्लॉय के मोटिवेशन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। वो कैसे करता है, अ गुड कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो गाइड एम्प्लॉय टू कम आउट फ्रॉम देयर प्रॉब्लम एंड दिस फ्री कम्युनिकेशन एंड केयर मोटिव टू एम्प्लॉय टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। यानी कह रहा है कि अगर आपने अच्छे से कंट्रोल कर रखा है, गाइड कर रखा है एम्प्लॉय को, तो ऑब्वियसली उनका जो प्रॉब्लम होगा वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। जो उनका जो प्रॉब्लम हो रही है उनको, जिस तरीके की वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल आएंगे अगर उनका जो है अच्छा कंट्रोल होगा, ठीक है ना। और दिस फ्री कम्युनिकेशन एंड केयर मोटिव, ठीक है ना, द एम्प्लॉय टू गिव बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है ना। अगर आप उसका केयर अच्छे तरीके से एम्प्लॉय का करेंगे, कम्युनिकेशन आपके बीच फ्रीली है, ठीक है ना, ऑब्वियसली आपका जो है परफॉर्मेंस एम्प्लॉय का वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट है इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यानी कंट्रोल क्रिएट एटमोसफेयर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली कि आपको डिसिप्लिन में ही सारा काम करना है, ऑर्डर क्या, ऑर्डर किस हिसाब से आपने काम करना है, ये सारी बातें उसमें मेंशंस होती हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, आप इसे पढ़ सकते हो, अगर फिर भी इसमें कुछ पॉइंट्स अगर आपको ना समझ में आए तब आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है ना। एंड लास्ट है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, ठीक है ना। द कंट्रोल प्लान टू मोटिवेट इक्विलिब्रियम बिटवीन द मीन एंड एंड, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोलिंग मेक श्योर द प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन दैट वेरियस फैक्टर एंड मेंटेन प्रॉपरली ऑल डिटर्मिनेट आर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड विच विल बी कोऑर्डिनेट वन अदर एंड कंट्रोल प्रोवाइड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी फैसिलिटी कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, यानी जो आपका जो आपने जिस तरीके से लोग प्लान दिया था एम्प्लॉय को काम वो कर रहे हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक कर रहेंगे, ठीक है ना। इसी में कोऑर्डिनेशन ये चेक करना कि उनके बीच कोऑर्डिनेशन है, एक या एक से ज़्यादा के बीच में कोऑर्डिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है एम्प्लॉय के बीच, ठीक है ना। तो उसमें एक यूनिटी डायरेक्शन प्रोवाइड कराना है, ठीक है ना, कि हम जो है हर एक को एक तरीके से, इस तरीके से हम जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि हर एक में एक यूनिटी है, कि कोई किसी से ना ही हम सपोज करो मैं उसे डांट रहा हूँ, उसे नहीं डांट रहा, क्यों नहीं डांट रहा भाई, अगर वो गलती करेगा तो डांटेंगे, नहीं करेगा तो नहीं डांटेंगे, सिंपल सी बात है। तो यही है फैसिलिटेट टू कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, और ये तभी होगा कि ओबियसली अगर एक ने गलत काम किया है तो ओबियसली मैं उसे डांटूंगा तो दूसरे वाले को लगेगा कि हाँ मुझे अच्छे से काम करना है ताकि मेरे को डांटना पड़े, ठीक है ना। और डांट क्या पड़ने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि मैं जो है उसको ऐसे सुना रहा हूँ, नहीं, उसको समझाने का मतलब ही है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर है कि फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, ठीक है ना, कि हम जो है एक्शन इस तरीके से लेंगे, मेक श्योर द प्रॉपर डायरेक्शन टेकन इन द वेरियस फैक्टर, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट है, और मेरे ख्याल से आप इसे चार ही पॉइंट याद रखो तो काफ़ी है, इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये छह चीज़ें, चार याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस ट्री का, और देन आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ओके, तो कीवर्ड है, कीवर्ड तो बाद की बात है, कीवर्ड बाद में देख लेंगे। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, भाई कहा जाता है कि इनके बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप तो है ही है ना, ये बात आप मानते हो कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच जो है क्या रिलेशनशिप है, उस चीज़ को हमें यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इनमें मैं कितने पार्ट में जो है इस वीडियोस को जो है बना सकता हूँ। ओके, ये चैप्टर आपका ख़त्म है, इसका मतलब है इसमें आपको सिर्फ दो टॉपिक पढ़ना है, और दो टॉपिक का मतलब यहाँ पर है, एक तो प्रोसेस है, प्रोसेस का टॉपिक है, ठीक है, और दूसरा मेरे ख्याल से रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है। ओके, तो
रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मैं इसे अगली क्लास में कराऊँ तो चलेगा ना? चलो तब तक आप इस चीज़ को जो मैंने अभी फ़िलहाल आपको पढ़ाया है नेचर एंड इम्पोर्टेंस उसको आप सही से पढ़ लो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जो है कंट्रोलिंग का दूसरा भाग इसमें कराऊंगा ताकि आप जो है प्रॉपरली इसे कर सको।